हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू सिमोदा किचन। जैसा कि अभी मैंगो सीजन चल रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही टेस्टी मैंगो ड्रिंक। तो आज हम बनाएंगे पके हुए आम का आम पन्ना, जो पीने में बहुत टेस्टी लगता है और इसे बनाना बहुत बहुत आसान है और ये एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आम पन्ना बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो पके हुए आम लिए हैं और अब हम इसे कट कर लेते हैं। आम सारे कट हो चुके हैं, तो एक एक करके हम इसके सारे पल्प निकाल लेंगे। और सारे पल्प निकलने के बाद हम इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं और इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। हमारा जो मैंगो पल्प था वो ग्राइंड हो गया और पेस्ट बन गया है। तो अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और मिक्सर ग्राइंडर में जो पल्प रह गया उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं और फिर मिक्स करके वो भी ले लेते हैं। तो सारा पल्प हमने डाल दिया बर्तन में। तो अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच चीनी लिया है। हमें यहाँ पे ज़्यादा चीनी नहीं लेना है क्योंकि हम पके हुए आम का आम पन्ना बना रहे हैं, इसलिए हमने 2 चम्मच चीनी लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच काला नमक डालेंगे। काला नमक डालने के बाद हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल रहे हैं, भुना हुआ जीरा पाउडर। और अब हम इसमें 1 पिंच नमक ले रहे हैं और 1 पिंच हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और अब हम इसे अच्छी तरह पल्प में मिक्स कर देंगे। मसाले अच्छी तरह पल्प में मिक्स होने के बाद हम इसमें अब पानी ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे और पानी डालते हुए हम इसे मिलाते जाएंगे। और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे एक बार छान लेंगे ताकि जो भी आम के रेसे वगैरह वो निकल जाए। तो ये हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया है। तो चलिए अब हम इसको दूसरे बर्तन में छान लेते हैं। इसमें से कितने से रेसे निकले हैं। तो ये हमने अलग कर दिया और ये हमारा प्योर जूस निकल गया है। तो ये हम एक बार मिक्स कर देते हैं और ये हमारा आम पन्ना तैयार है। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। अब हम इसमें छोटे छोटे मैंगो क्यूब्स डालेंगे, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो हम 2 ग्लास में मैंगो क्यूब्स डाल दिए हैं और इसके ऊपर हम आइस क्यूब्स डालेंगे ताकि हमारे चिल्ड मैंगो आम पन्ना बिल्कुल चिल्ड हो जाए। तो ये लीजिए, हमारा चिल्ड पके हुए आम का आम पन्ना बनकर तैयार है। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है और ये सच में बहुत यम्मी लगता है। तो इसे आप एक बार ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आप तक पहुँच पाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ।